नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की खबरों पर। लालकुआ में सभी वन विकास निगमों में वाहनों को मॉडिफाई कर पंजे के रूप में लकड़ी लोडिंग अनलोडिंग में लगाकर करोड़ों रुपए के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। बावजूद उसके सभी संबंधित विभाग इसे नजरअंदाज कर रहा है। हालांकि मामला मीडिया में छाने के बाद परिवहन विभाग इस पर सख्त होता दिख रहा है। बताते चलें कि लालकुआ में सभी वन विकास निगम डिपो सरकार की आंखों में धूल झोंक कर अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से वाहनों को मॉडिफाई कर लोडिंग अनलोडिंग का कार्य हो रहा है। इससे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व में नुकसान हो रहा है। वहीं विभाग भी इस पर आंखें मूंद कर बैठा है, जबकि डिपो में मजदूरी करने वाले सैकड़ों मजदूरों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इस बारे में जब हल्द्वानी एआरटीओ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। अगर ऐसे वाहनों का पंजीकरण नहीं होता है तो ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुआ मुझे कि परिवहन वन विकास निगम में कुछ गाड़ियां इस तरह की चल रही हैं जिनको पंजे के रूप में मॉडिफाई करके क्रेन सर्विस की तरह ना वो गाड़ियां उठा के पिकअप करती हैं, गाड़ियों में लकड़ियां रखती हैं। तो अगर वो उन्होंने आरसी में इसको पास करवाया है, इस तरह का जो अल्टरेशन करवाया है तो इसको अगर करवा रखा है तब तो सही है, वरना वो अगेंस्ट द आरसी कंडीशन है, उसमें इन गाड़ियों को सीज किया जा सकता है और इसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। पर्सनली अगर मतलब मेरी नज़र में कोई ऐसी गाड़ी अगर आती है तो उसको सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में चार पहाड़ी जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं निचले व मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग निर्देशक विक्रम सिंह ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड में इजाफा होने का अनुमान है। इसके साथ राज्य में मैदानी इलाकों में शुरुआत घने कोहरे से हुई है। वहीं राजधानी देहरादून सहित पहाड़ी क्षेत्रों में चटक धूप खिली रही। डीजीपी बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे अशोक कुमार ने सामाजिक संगठन के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजीपी के मुताबिक प्रदेश में पुलिस को हाईटेक बनाने पर जोर दिया जाएगा, जिससे अपराधियों में पुलिस का खौफ रहे। कुमाऊं में महिला थाना खोलने पर डीजीपी ने कहा कि महिला थाना खोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर थाने में महिला पुलिस अधिकारी तैनात हैं। वहां कोई विशेष अपराध की रिपोर्टिंग नहीं है। महिला जो है हमने उसकी बजाय क्या किया, हमारे 159 थाने प्रदेश के, हर थाने में एक एसआई महिला और चार महिला कांस्टेबल हमने लगा दिए, तो हर थाना महिला फ्रेंडली है। मैं खाली एक विशेष थाना बनाऊँ उसके बजाय मेरा प्रयास है कि हर थाना महिला फ्रेंडली हो। कोई भी महिला, कोई भी लड़की बच्ची वहाँ जाने में अपने को असुरक्षित महसूस न करे, उसे झिझक महसूस न करे। सीसीटीवी लगा दिए हमने हर थाने में, तो हमारा हर थाना महिला फ्रेंडली होगा, इसलिए महिला ओनली महिला थाना हम नहीं बने। उत्तराखंड में पहली बार आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड दौरे पर रहे हैं। वह एक निजी कार्यक्रम में भीमाताल में पायलट बाबा आश्रम में दर्शन करने के लिए उत्तराखंड गए हैं। यह जानकारी आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 11 तारीख को हल्द्वानी आएंगे। उसके बाद वह भीमाताल में स्थित पायलट बाबा आश्रम में बाबा के दर्शन करेंगे। 12 तारीख को पार्टी कार्यकर्ताओं से वार्ता कर सकते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। इसमें उनका जो प्रोग्राम है वो 11 तारीख को वो उत्तराखंड में आएंगे, काशीपुर के रूट के थ्रू से आने वाले। साथ ही साथ 12 तारीख को वो कैची धाम आश्रम है जिसकी उसमें उनकी निजी आस्था है और वो उस प्रोग्राम में वहाँ पर सुबह सुबह दर्शन करेंगे। उसके बाद हमारा कुछ समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जो उनके विषय हैं उनके ऊपर आम आदमी पार्टी की क्या समझ है, वो भी एक हो सकता है कि वो भी प्रोग्राम हो, लेकिन वो अभी ऑफिशियल नहीं था इसलिए उसकी जानकारी। फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।